वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव पहली बार भिंड पहुंचे, जहां उन्होंने 68 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके साथ ही किसान कल्याण योजना में 80 से अधिक किसानों को 1,816 करोड़ रुपए और फसल बीमा योजना के तहत 25 लाख से अधिक किसानों को 775 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि भिंड की धरती अलग अलग कार्यों से जानी जाती है। पूर्व की सरकारों में दम नहीं था, इसलिए लोगों को जीना मुहाल कर दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार में सारी समस्याओं का निदान हुआ है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी का रहते हुए देश का मान बढ़ा, मोदी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। प्रधानमंत्री ने 22 करोड़ लोगों को पक्का घर बनाकर दिया है। गरीब व्यक्ति का भी बैंक में खाता खुल सके, ये पीएम मोदी के कारण हुआ है। जिस भिंड की धरती पर काल के प्रवाह में, अतीत के काल में बीहड़, डकैत, गुंडागर्दी, पता नहीं किस किस कारण से हमारे क्षेत्र का, पता नहीं क्यों वो काला समय था कि एक पहचान बनी हुई थी, और ऐसे शासन काल में जिनने शासन किया, यहाँ की आम जनता बहुत सुशील, शांति प्रिय, अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहने वाली और विकास को पसंद करने वाली, लेकिन काल के प्रवाह में जो सरकारें आई उनमें दम नहीं था, इसलिए समस्या खड़ी करके आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। जीने में उनको कठिनाई आती थी, रात हो नहीं उसके पहले घर पे आ जाए आदमी तो लगता था कि जान बची, विवाह शादी कोई मौका आए तो मालूम पड़े रास्ते में क्या हो जाए, कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार होती है, ये सारी समस्याओं का निदान कर देते हैं, इस बात की बधाई आप सबको देना चाहता हूं। और हम अपने केवल शांतिप्रिय व्यवस्थाओं के लिए नहीं, लंबा समय निकला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जोरदार अभिनंदन करो हमारे मोदी जी के लिए, जिनके रहते हुए भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, लोक लुभावन, लोगों को ललचाने वाली योजनाओं के बजाय वो लोगों के दिलों पे राज करते, दिलों पे हमारे लिए इस बात का गर्व है। एक ऐसे नेता जो अपने लिए खुद का कुछ भी नहीं है, जिनका खुद का परिवार भी नहीं है, लेकिन 22 करोड़ लोगों को घर बना के पक्का देते हैं, ये ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। वसुधैव कुटुंबकम का केवल नारा सुना था हमने, लेकिन समूची पृथ्वी, समूची वसुधा वो एक कुटुंब की तरह है, और ऐसे सांस्कृतिक भाव को जागरण करते हुए कोविड के कठिन काल में जिनने आपने आचरण से, व्यवहार से, पहले ताली फिर थाली, हमने जब ताली थाली बजाई तो कांग्रेस के लोग मजाक बना रहे थे, ताली थाली से क्या होता है, लोग समझ नहीं पाए, वो नरेंद्र मोदी जी थे, लोगों को लॉकडाउन करके अपने अपने घरों में रखा और समय के साथ अंदर के सारे तंत्र खड़े करते करते, जिन्होंने सारी व्यवस्थाओं को, अपने हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को, दवाई व्यवस्थाओं को, नए टीका इजाद करने के लिए, और कम समय में ना केवल अपने 142 करोड़ देशवासियों की जान बचाई बल्कि 100 से ज्यादा देशों के लिए भी दवाई उपलब्ध कराई, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने की जरूरत है। तो जब 5 साल का हिसाब हमको रखना है, धीरे धीरे हम लोकसभा चुनाव की तरफ पहुंच रहे हैं, जब लोकसभा चुनाव की तरफ पहुंच रहे हैं तो हमको वो सारी बातें करना पड़ेगी। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है वो जनता के पास है, और जनता की ताकत को एहसास करा करके दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो वह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अपने को इस बात का गर्व है। आप अंदाज लगा लो कहां अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, देश की हालत खराब थी, मनमोहन सिंह जी तो बहुत होशियार थे, वित्त मंत्री थे, पता नहीं कितने गुण उनके पास थे, लेकिन उनको एक गुण मालूम नहीं था कि गरीब आदमी भी बगैर पैसे के बैंक में खाता खोल ले, ये नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ।
सभी बेईमानों की, सभी 400 बीसियों की और सरकारी पैसे पे डाके डालने वालों की सारी योजनाओं को धता बता करके जिनका हक उन तक पहुंचाने का अगर किसी ने अधिकार दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। अभी अभी आप अंदाज लगाओ, मैंने यहां सिंगल क्लिक से फसल तो कट के अभी घर में आई नहीं है, जो फसल का मुआवजा नुकसान ही हमारा हुआ है वो सारा का सारा पैसा किसानों के अपने खाते में लगभग 800 करोड़ रुपया अपने यहां यही डल गया है। ये भाजपा की सरकार है। हमारे लिए एक नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की आजादी के बाद पहली बार कि किसान की हालत, ये तो किसानी का क्षेत्र है हमारा भिंड, तो यहां पर आम आदमी के जीवन में किसानों के लिए अगर दो पैसे दे तो गलत क्या है, तो 6000 रुपया माननीय मोदी जी का और 6000 अपनी माननीय पुरानी शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार की योजना का जोरदार अभिनंदन करो। वो पैसा भी आपके खाते में डाल दिया गया है। 80 लाख किसानों के खाते में लगभग 1100 करोड़ के आसपास ये राशि डाल करके हमने अपनी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता साबित की है। हमने सबने विश्वास किया है, ये पूरा भारत, भरत भूमि अगर दुनिया में जानी जाती तो किसके लिए जानी जाती है? एकमात्र कारण हमारी वसुधा में हमारे किसान जिनके दो घर होते हैं, एक में रात को सोता है, दूसरा किसान के रूप में दिन भर अपने खेत में मेहनत करता है। लाखों लाख लोगों के लिए जीवन में बदलाव के लिए वह अपनी पूरी जवानी, पूरा खून पसीना बनाता है। मैं जोरदार अभिनंदन करो अपने किसान बंधुओं के लिए जिनके कारण से ये मौका हमको मिलता है।